हेलो दोस्तों, एंड्रॉयड बडी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जो आप लोगों के कुछ मदद में आएगा। मोटो ई या मोटो जी या मोटो सीरीज़ के यूज़र्स जो है उनका एक प्रॉब्लम है वोल्टी की मदद से। जियो से वॉइस कॉल तो कर सकते हैं लेकिन वीडियो कॉल नहीं कर पा रहे हैं। ये प्रॉब्लम बहुत जनों को आ रहा है और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि वीडियो कॉल कैसे करना है मोटो ई या मोटोरोला के और भी डिवाइसेस के लिए। जैसे आप जानते हैं, मोटोरोला में नेटिव वीडियो कॉलिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। जो नेटिव वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन है सैमसंग या दूसरे स्मार्टफोन्स जिसमें कस्टम स्क्रीन होता है एंड्रॉयड के ऊपर, उन लोगों में नेटिव वीडियो कॉलिंग का एक ऑप्शन रहता है। लेकिन यहाँ पे आपको कोई नेटिव वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो क्या कर सकते हैं? जियो ने एक अलग से ऐप बनाया है जियो 4G वॉइस करके, यहाँ से आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दूँ दोस्तों, मोटोरोला के किसी भी डिवाइसेस में ये ऑप्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि मोटो में वोल्टी तो सपोर्टेड है लेकिन उसकी वजह से आप डेटा ऑफ करके कॉल लगा सकते हैं किसी को भी, लेकिन ऑडियो कॉल तो आप कर सकते हैं लेकिन वीडियो कॉल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो कॉलिंग का कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर आप डेटा ऑन करके जियो 4G वॉइस से कॉल करना चाहेंगे तो यहाँ पे भी आप नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए मुझे इस नंबर पर कॉल करना है, मैं अगर कॉल करना चाहूँगा तो ये वापस से मुझे उसी स्क्रीन में, कॉल स्क्रीन में लेके आ जा रहा है। और अगर यहाँ पर देखेंगे इस कॉन्टैक्ट्स में, यहाँ से हमको वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन है, लेकिन अगर मैं वीडियो कॉलिंग का बटन दबाऊंगा तो ये फिर से वही वापस से सेम स्क्रीन में आ जा रहा है। तो इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और मैं वीडियो कॉलिंग नहीं कर पा रहा हूँ। आज मैं एक तरीका बताने वाला हूँ दोस्तों, जिससे आप लोगों को वीडियो कॉल भी कर पाएंगे और आपको कोई अलग से सॉफ्टवेयर भी नहीं लगेगा, मैं जो तरीका बताने वाला हूँ उससे। लेकिन आपको डेटा तो ऑन रखना ही पड़ेगा, तो चलिए उस सॉफ्टवेयर को देख लेते हैं। एक सॉफ्टवेयर जो गूगल एंड्रॉयड डिवाइसेस में बाई डिफॉल्ट आता है वो है हैंगआउट। हैंगआउट के बारे में बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते, तो देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ से हम अगर वीडियो कॉल करना चाहें तो किसी को भी वीडियो कॉल कर पाएंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है दोस्तों, यहाँ पे आपको वीडियो कॉल करने के लिए ईमेल आईडीज चाहिए होंगे और जीमेल यूजर्स को ही आप ये वीडियो कॉल कर पाएंगे। मान लीजिए मुझे इस नंबर पर वीडियो कॉल करना है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आप डायरेक्टली वीडियो कॉल का ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे प्रेस करके मैं डायरेक्टली वीडियो कॉल कर पाऊँगा। देखिए वीडियो कॉल करने के बाद ये कैमरा का स्क्रीन आ गया है और वीडियो कॉल चालू हो गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्टली मैं वीडियो कॉल कर पा रहा हूँ। और अगर मुझे वीडियो कॉल एंड करना है तो यहाँ से एंड कर सकता हूँ। तो ये एक आसान तरीका है जिससे आप वीडियो कॉल कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको मोबाइल डेटा ऑन रखना पड़ेगा। बहुत ही दुख की बात है, मोटो ई में वोल्टी होने के बावजूद हम डायरेक्टली वीडियो कॉल नहीं कर पा रहे हैं। अगर इसमें नेटिव वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन होता तो हम लोग डायरेक्टली वीडियो कॉल कर पाते हैं। आप और भी सॉफ्टवेयर से जिनके मदद से वीडियो कॉल कर पाएंगे, जैसे आप स्काइप यूज़ कर सकते हैं वीडियो कॉल करने के लिए, जो एक बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, या फिर आप गूगल का नया लॉन्च्ड गूगल डुओ का यूज़ कर सकते हैं वीडियो कॉल करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के काम में आएगा। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया तो एक लाइक करना मत भूलिए, और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल में और भी ऐसे वीडियोस के लिए। उम्मीद करता हूँ अगले वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगा। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, और आपका दिन शुभ हो।